दोस्तों, वैसे तो इंडिया का स्टेट गोवा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए काफी फेमस जगह है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये भी 1961 में ही इंडिया में ऐड हुआ है। दरअसल दोस्तों, गोवा, दमन और दीव में 1510 के बाद पोर्टुगीज का राज था और उनके पास गोवा को हथियाने के लिए कई बड़े बड़े रीजन थे, जैसे कि मालाबार कोस्ट अपने स्पाइस ट्रेड के लिए वेस्टर्न रीजन में काफी फेमस था और इसलिए न सिर्फ पोर्टुगीज ने गोवा में अपना स्ट्रॉन्ग नेवल बेस बनाया था बल्कि वो ट्रेड के लिए भी इसी रूट का यूज करते थे। जैसे इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पोर्टुगीज पर प्रेशर बनाया कि वो गोवा, दमन और दीव को छोड़कर चले जाए, लेकिन पोर्टुगीज ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद भी 21 फरवरी 1950 को जब बैठक बुलाई गई तो पोर्टुगीज ने पूरी तरह से गोवा, दमन और दीव पर नेगोशिएशन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी है। तो फिर इंडिया के फर्स्ट पीएम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि हमें फोर्सेज का यूज करना ही पड़ेगा गोवा को वापस लेने के लिए। वार के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन निकाला गया जिसका नाम लिखा गया ऑपरेशन विजय। यह ऑपरेशन 17 दिसंबर 1961 को स्टार्ट हुआ और महज 35 घंटे के अंदर इंडिया ने पोर्टुगीज के 400